लानत है तुम जैसे मुसलमानों पे जो हक की बात नहीं कर सकते। उन नालायक हिंदुओं की तो ऐसी कम तैसी जिन्होंने मस्जिद तोड़ी, उन नालायक हिंदुओं की तो एक दो तीन साले देशद्रोही, वो नकली हिंदू भाजपा आरएसएस के पिल्ले, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 एकड़ जमीन जो मिली है सुन्नी वक्फ बोर्ड को वो एवज मिल गया ना, जो भी हुआ एवज मिल गया। अरे मेरे भाई, एवज मिल गया का मतलब ये है कि मान लिया ना कि वहां पे मस्जिद थी, जब थी तो फिर वापस ठीक है, उसमें एवज क्या चाहिए। एवज तो उसका मिलता है जो खो गई, अब मिल ही नहीं सकती, किसने का नहीं मिल सकती। भैया राम मंदिर जहां बन सकता है बना लेना, वहां तो बाबरी मस्जिद वापस कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का खाली ऑर्डर गलत है, नीचे का ऑपरेटिव ऑर्डर कि वहां राम का मंदिर बना लो, बाकी सब सुप्रीम कोर्ट की बात के हिसाब से अगर चलेंगे और संविधान को अगर आप समझते हैं तो वहां तो मस्जिद ही बनेगी। अरे छोड़ो, कौन सा भारतवासी मानेगा इस बात को, कल को सुप्रीम कोर्ट ही आपको ये कह दोगे कि सुनो ऐसा है, मैं सुप्रीम कोर्ट हूं, सारी बातें तुम्हारी तरफ, लेकिन डीवी दे दो इसको। क्यों भैया, कौन हो भाई तुम, जब तुम खुद साबित करते हो सुप्रीम कोर्ट जी, खुद साबित करते हो कि वहां राम लला पैदा नहीं हुए, तुम खुद साबित करते हो वहां राम मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, तुम खुद साबित करते हो कि मीर बाकी ने कुछ गलत नहीं किया, तुम खुद साबित करते हो कि वो मस्जिद थी 1949 तक वहां इबादत होती थी, तुम खुद साबित करते हो सुप्रीम कोर्ट जी कि वो बाबरी मस्जिद ढाई गई, तुम खुद चला रहे हो केसेस बाबरी मस्जिद पे हुए क्राइम के, और तुमने एक आदमी की बीवी किसी और को थमा दी। ये अधिकार नहीं है मिस्टर सुप्रीम कोर्ट आपके पास, आप मुझे जेल में डालेंगे ये बात करने के लिए। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं, संवैधानिक बात कर रहा हूं, मैं रंजन गोगोई नहीं हूं। यहां पर ये नकली हिंदू राम मंदिर बना रहे हैं, वहां वहां पर राम मंदिर नहीं बनेगा, क्योंकि ना तो वहां राम पैदा हुए सुप्रीम कोर्ट, ना मीर बाकी ने किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई सुप्रीम कोर्ट, ना वहां मीर बाकी ने जब मस्जिद बनाई तो राम मंदिर तो छोड़िए कोई भी ढांचा नहीं तोड़ा सुप्रीम कोर्ट, तो जब वो राम की जगह ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट, जब मीर बाकी ने कुछ तोड़ा ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट, जब मस्जिद माना है इसको सुप्रीम कोर्ट, तो मेरे भाई राम मंदिर बनाने का ऑर्डर देने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को किसने दिया, किसने दिया? मैं पूछता हूं सुप्रीम कोर्ट जी से, मैं पूछता हूं कि जब आप खुद कह रहे हो इतना सब, तो आपने राम मंदिर बनाने का ऑर्डर का अधिकार कहां से पाया, कहां से पाया? अब आप बोलेंगे तिरंगे की छांव में बैठा हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर रहा हूं। जी, ध्यान से देखिए इस अशोक चक्र को, ध्यान से देखिए, ये मुझे वो ताकत देता है अशोक चक्र कि मैं सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल कर सकता हूं कि आपको किसने अधिकार दिया। इट इज समथिंग लाइक ये औरत मेरी बीवी नहीं है, ये औरत फलाने की बीवी है साबित होता है, मेरी नहीं है साबित होता है, ये औरत कोई और है साबित होता है, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है निशांत के साथ चली जाओ। तो अरे मियां सुप्रीम कोर्ट जी, थोड़ी तो अकल हम में भी है, थोड़ी सी है, और हमारे में अकल इतनी ही है कि हम आपका ऑर्डर फॉलो करें। हो सकता है बहुत सारे मुसलमान जुबान नहीं खोलते, हो सकता है बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें जुबान नहीं खोलती,
हो सकता है कि बहुत सारे मुसलमान इस समय ये सोचे कि यार ये तो हिंदुओं से झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी। लानत है तुम जैसे मुसलमानों पे अगर तुम अपनी जुबान नहीं बोल सकते। लानत है तुम जैसे मुसलमानों पे जो हक की बात नहीं कर सकते। उन नालायक हिंदुओं की तो ऐसी कम तैसी जिन्होंने मस्जिद तोड़ी, उन नालायक हिंदुओं की तो एक दो तीन साले देशद्रोही, वो नकली हिंदू भाजपा आरएसएस के पिल्ले जिन्होंने एक आस्था के स्थल को शहीद किया। लेकिन लानत है उन मुसलमानों को जो हक की बात नहीं कर सकते। डर लगता है दंगे हो जाएंगे, क्यों दंगे हो जाएंगे, नहीं होंगे दंगे, मारकाट हो जाएगी, नहीं होगी मारकाट, झगड़े होंगे, नहीं होंगे झगड़े, हम नहीं करेंगे, जो आएगा उसके चांटे मारेंगे झगड़ा झगड़े, कोई भी हो, चाहे नरेंद्र मोदी क्यों ना, अगर नरेंद्र मोदी झगड़ा करने तुमसे आता है ना, खींच के दो झापड़ मार देना उसके, झगड़ा करने के लिए कोई ताकत तैयार नहीं है और राजी भी नहीं है, हम झगड़ा नहीं करेंगे। संघ का राज है, बीजेपी का राज तो होगा बहन, जो हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे कोई हमने जिंदगी थोड़ा लिख के दे दी है कि हमको जैसा मर्जी तुमको करना है करो। नो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गलत है। बाबरी मस्जिद मैटर में सुप्रीम कोर्ट जी का फाइनल ऑर्डर जो कहलाता है गलत। अब कोई कहेगा मैं क्या सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जानता हूं, हां चलो जानता हूं, कर लो बहस, आ जाओ सुप्रीम कोर्ट जी आपसे बहस कर लेते हैं और यही वीडियो दिखा दूंगा मैं आपको, यही चार पॉइंट मैं आपसे दिखा दूंगा, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, बिल्कुल सलाम है आपको, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट होकर के गलत आदेश दे सकते हैं, ये तो आप सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार माना है कि कोर्ट गलत फैसला दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये हिंदूवादी हिंदू तत्व जो बनकर के घूम रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, आरएसएस के हों, बीएचपी के हों या उनके गुंडे हों, कि नहीं बस अब तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं होगा। जब आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जी, हम तो आप ही से बात कर रहे हैं, आप हिम्मत दिखाइए हमसे बहस करने की, हम आपको गलत साबित कर देंगे। आई चैलेंज सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद पे आदेश गलत है, वहां पे राम मंदिर नहीं बन सकता। अधिकार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि वो ऐसा आदेश दे। हां कुछ अधिकार जरूर है सुप्रीम कोर्ट जी को, वो अधिकार है कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए वो अपना पावर्स यूज कर सकते हैं। पब्लिक का बेनिफिट, पब्लिक के बेनिफिट में तुम मेरी बीवी किसी और को दे दोगे हैं सुप्रीम कोर्ट जी, कि नहीं नहीं वो हिंदू मांग रहे थे इसलिए बीवी दे दो, मानोगे? कौन सा मुसलमान मानेगा इस बात को, कौन सा हिंदू मानेगा इस बात को, अरे छोड़ो कौन सा भारतवासी मानेगा इस बात को। कल को सुप्रीम कोर्ट जी आप तो ये कह दोगे कि सुनो ऐसा है, मैं सुप्रीम कोर्ट हूं, सारी बातें तुम्हारी तरफ, लेकिन बीवी दे दो इसको। क्यों भैया, वहां राम मंदिर बनने का कोई कानूनी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है देने का। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को वहां पे दोबारा मस्जिद खड़ी करवानी पड़ेगी। क्या हुआ, अच्छा आदेश आ चुका है, आने दो फिर आएंगे। अभी तो सिर्फ 5 जज की बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल थी। क्या आप जानते हैं कि इस देश में सबसे बड़ी बेंच 27 जजों की बेंच हो सकती है, और सिर्फ एक मामले में हुई भी थी। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सब बात मान करके चुप रह जाएंगे। जिस मुसलमान को अपने हक की बात ना करनी हो वो अपना नाम बदल ले और शर्मा आर्मा रख ले या सिंह विंग रख ले, और जिस हिंदू को राम नहीं पता क्या है, क्योंकि इतना सब समझने के बाद भी हम जानते हैं कि वहां कोई अधर्म नहीं हुआ था, और राम अधर्म के साथ ही नहीं है। अगर ये हिंदूवादी तत्व सोचते हैं कि राम इनके साथ ही है, कतई नहीं,
राम तुम्हारे नहीं है, तुम गधे हो। राम जो हैं वो धर्म का साथ देते हैं एज पर रामचरितमानस, मैं भी उतने पे ही रहता हूं। सो बॉटम लाइन, वहां पे राम मंदिर नहीं बनेगा, उसके लिए मुहिम चलेगी शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, बातचीत के जरिए, कानून। वहां मस्जिद बनेगी और दोबारा बाबरी बनेगी। हाँ, साथ में मंदिर बनाना है, मोस्ट वेलकम, आ जाओ मैं करूंगा। साथ अलग बनाना है, बना लो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 एकड़ जमीन जो मिली है सुन्नी वक्फ बोर्ड को, वो एवज मिल गया ना, जो भी हुआ एवज मिल गया। अरे मेरे भाई, एवज मिल गया का मतलब ये है कि मान लिया ना कि वहां पे मस्जिद थी, जब थी तो फिर वापस चाहिए, उसमें एवज क्या चाहिए। एवज तो उसका मिलता है जो खो गई, अब मिल ही नहीं सकती, किसने कहा नहीं मिल सकती। भैया राम मंदिर जहां बन सकता है बना लेना, वहां तो बाबरी मस्जिद वापस बनेगी। सुप्रीम कोर्ट का खाली ऑर्डर गलत है, नीचे का ऑपरेटिव ऑर्डर कि वहां राम का मंदिर बना लो, बाकी सब सुप्रीम कोर्ट की बात के हिसाब से अगर चलेंगे और संविधान को अगर आप समझते हैं तो वहां तो मस्जिद ही बनेगी, मंदिर कतई नहीं बनेगा। अब कैसे रोका जाएगा, है कानूनी तरीके अपनाए जाएंगे। जिन तंजीमों को, जिन ग्रुप्स को, जिन मुसलमानों को ये बात नहीं समझ में आती है, अल्लाह हाफिज। और जिनको समझ में आती है, हक का, हक के लिए लड़ने का मतलब तलवार निकालना नहीं होता है। हक के लिए लड़ना इज नॉट तलवार निकालना। हक के लिए लड़ना मतलब है कि अपना हक लेके रहना, और उसके लिए हमारे पास कानून है, उसके लिए हमारे पास बात करने का तरीका है, सब कुछ है, और अपनाया जाएगा। कोई बहुत देर नहीं होगी, कोई बहुत देर नहीं होगी, कुछ भी नहीं हुआ है। शिलान्यास 1989 में हो गया था, मोदी तो वहां नाटक करने गया था, कुछ नहीं हुआ है। मस्जिद दोबारा बनेगी और बनेगी। जिसे मेरी बात नहीं पसंद आती, टाटा। जिसे मेरी बात समझ में आती है, आओ गले लग जाओ। क्योंकि हम हक की लड़ाई पे, हम जो राम में मानने वाले हैं उनसे कुछ गलत नहीं कहूंगा मैं। इस वीडियो के बाद मैं आपको अपने घर के मंदिर की फोटो पोस्ट करके दूंगा, राम लक्ष्मण सीता। राम अधर्म के साथ नहीं है, और ये मोदी फोदी ये नहीं है धार्मिक लोग कोई, ये बीजेपी आरएसएस ये नहीं है, ये तो सबसे बड़े अधर्मी है, और राम इनके साथ नहीं है। राम कभी नहीं, आज राम यहां जमीन पे हो तो वो ये नहीं कहेंगे कि मस्जिद तोड़ो, या मैं यहां पैदा हुआ था वो तुम उड़ा के नहीं कहा। सो इस डिस्कशन का मैं यहां पे शॉर्ट एंड स्वीट में आपको अंत में कह देना चाहता हूं, राम मंदिर नहीं बनेगा, नहीं बनने देंगे प्यार से। मस्जिद ही बनेगी बाबरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जितने ऑर्डर के पॉइंटर्स मैंने आपको गिनाए, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको गिनाए, वो सारे के सारे मस्जिद के फेवर में है। बस नीचे एक लाइन, मंदिर बना लो। देखो रंजन गोगोई साहब, आपकी हम इज्जत करते हैं, आपकी इज्जत तो बहुत लोगों ने कर ली, अब हम नहीं मानेंगे, वी विल नॉट एग्री। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से एग्रीमेंट नहीं रखता हूं। बहुत से लोग कमेंट में लिख रहे हैं बहुत सारी बातें, किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। आप सबके सुझाव वेलकम है। मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि मुझे सब तरफ से फीडबैक मिले। वो बीच में गधा आया था मयूर टंडन, वैसा फीडबैक भी मिले, और बाकी आप जो सैकड़ों लोग ये फीडबैक दे रहे हैं वो भी मिले, ताकि सही तरीके से इस मामले को लॉजिकल एंड लीगल एंड तक ले जाया जाए। राम मंदिर नहीं बनेगा, बनेगी तो बाबरी मस्जिद। वो इसलिए क्योंकि वहां थी बाबरी मस्जिद,
और सुप्रीम कोर्ट ने सब साबित कर दिया है, ना रामलला पैदा हुए वहां पे, ना राम का कोई मंदिर तोड़ के मीर माकी ने कुछ बनाया। जो भी मीर माकी ने बनाया सही बनाया, मस्जिद थी, 49 तक नमाज होती थी, इमाम को मारा, मूर्तियां लाके रखी गई, बाबा जी घंटा, सॉरी नो टेम्पल ओनली मस्जिद। भारत देश हमारा है, किसी के पाप का नहीं।